कहावत है कि एक मयान में दो तलवारें रह ही नहीं सकती। बिहार की राजनीति की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार ऐसी ही दो तलवारें हैं जो इत्तेफाक से एनडीए नाम की मयान में एक साथ आ गई हैं। और जब से दोनों एक साथ एनडीए में हैं तब से आपस में टकराने का कोई मौका नहीं चूक रहे। 2019 के चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर पहला तेवर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने दिखाया। जेडीयू के नेताओं की बयानबाजी तब थमी जब नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हुई। नीतीश कुमार उसी के बाद से कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे का पेच सुलझा लिया गया है। इसके बाद से आरएलएसपी के तेवर ठीक हैं। उपेंद्र कुशवाहा इशारों में बात करते हैं तो उनकी पार्टी के नेता खुलकर नीतीश का विरोध कर रहे हैं। दो दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब आरएलएसपी कह रही है कि नीतीश कुमार का दावा सिर्फ अफवाह है। जब तक प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हो जाता है तब तक ये सब न्यूज का कोई राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का माने नहीं समझेगी। नीतीश कुमार का जनाधार ही बिहार में नहीं है। 1.5% सो कॉल्ड जो कुर्मी का वोट है उसके अलावा कौन वोट है कोई हमको बता दे। इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में अगर प्रोजेक्ट करके एनडीए चुनाव लड़ेगी तो बिल्कुल हमारी पार्टी इस पर विचार करेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ताकत काफी बढ़ी है। अगर जिसका जितना वोट है उतना हिस्सेदारी नहीं मिलेगा तो ये डेमोक्रेसी है। ये बिल्कुल सच है। पार्टी ने आधिकारिक ब्रीफिंग में ये कहा है कि समझौता सैद्धांतिक तौर पर हो चुका है, हम लोग मिलकर साथ लड़ेंगे, लेकिन अभी भी आधिकारिक ऐलान बाकी है और वो बहुत जल्द होने की उम्मीद हम करते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जब तक उनके साथ बैठक नहीं होगी, जब तक हमारी पार्टी यह तय नहीं करती है कि एनडीए की जो सीट शेयरिंग जो है से वो समाप्त हो गया है, एनडीए के जो सहयोगी दल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बैठ करके बात ही नहीं किए हैं तो फिर सीट शेयरिंग की बात कहां है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से तीखे बयानबाजी देखने को मिल रही है सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटव्वल की स्थिति है और क्या महागठबंधन में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजय मयूख जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जेडीयू के प्रवक्ता, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता, माधव आनंद आरएलएसपी के प्रवक्ता और एके वाजपेयी एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन अभी हम एक अमन की उम्मीद की लगा रहे, हमको जिसने कुर्सी दी वो है बड़े लड़ैया, गोला दागे मंग चलाए हमको क्या है भैया। बाजवा जी बोल गए हैं मेरे काम तीन, ऐश करो एक उपनो अलापो राग कश्मीर। बिहार की हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में 2019 को लेकर सीट बंटवारे की जो सिर्फ फुटव्वल की स्थिति बन रही है, चाहे वो एनडीए में बने चाहे महागठबंधन में बने, उसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई वहां पर गठबंधन टूटने जा रहा है या उसमें तनाव की स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर संजय मयूख बीजेपी से, सुनील सिंह जेडीयू से, डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी से, माधव आनंद आरएलएसपी से और एके वाजपेयी एलजेपी से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। माधव आनंद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। नीतीश जी कह रहे हैं कि फॉर्मूला तैयार हो गया है सीट बंटवारे का, आप लोग कह रहे हैं कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ, क्यों ये स्थिति बन रही है और क्या आरएलएसपी एनडीए से अलग हो सकती है? देखिए, जहां तक आरएलएसपी की बात है, हम लोग 2013 से एनडीए के साथ हैं और जिस में चाहते हैं कि माननीय मोदी जी पुनः 2019 में प्रधानमंत्री बने। अब जहां तक देखिए कि जब गठबंधन धर्म होता है तो गठबंधन में जब होते हैं तो गठबंधन धर्म को फॉलो करना चाहिए, चाहे मेरी सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी या आरएलएसपी। क्या आपने विगत 6 महीने में कभी सुना कि हम लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है और सीट शेयरिंग पे कोई हम लोगों ने स्टेटमेंट दिया? सिर्फ एक जेडीयू ही है
जो बार बार हर 15 दिन 20 दिन पे सगुफा छोड़ते हैं नीतीश। अरे एनडीए की मीटिंग हुई नहीं है, जब तक एनडीए की मीटिंग नहीं होगी या कोई पार्टी अगर बोल दे कि नहीं कि मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, साठ गांठ हो गया और मुझे चिंता करने की बात नहीं है और मैं ये अनाउंस करूंगा बहुत जल्दी, अरे कौन सा अनाउंस, कौन से आप बंद कमरे में डिस्कशन कर लिए? ऐसा तो नहीं वो अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग के बाद कह रहे हैं? किस बात की? अरे अकेले जेडीयू पार्टनर थोड़ी है एनडीए में, एनडीए में हम लोग हैं, एलजेपी है, सब लोग जब साथ बैठेंगे तब ना। अब जेडीयू कुछ भी स्टेटमेंट दे देती है, अरे गठबंधन धर्म को आप निभाइए ना। आप कभी बोलते हैं कि अरे कुशवाहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अरे लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चेहरा है न कि जैसे नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी का क्या जनाधार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, 2014 में 40 लोकसभा सीट पे लड़े और 2 लोकसभा सीट जीते, हम लोग 3 पे लड़े और 3 लोकसभा सीट जीते। अरे किसकी पार्टी बड़ी है आज? आज सबसे बड़ी अगर पार्टी है तो उससे बड़ी पार्टी मेरी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, न कि जेडीयू है। आप लोग कितनी सीट चाहते हैं? हम लोग गठबंधन धर्म को फॉर्म, आपको क्यों बताएं कितनी सीट चाहिए? अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो एनडीए की जब मीटिंग होगी उस मीटिंग में बोलेंगे, इनसे कम तो नहीं जाएंगे ना, इतना तो। अरे हम बता रहे हैं कि मुझे क्या लड़ना है, कितने पे चुनाव लड़ना है। हम लोग गठबंधन धर्म में विश्वास करते हैं और गठबंधन धर्म के नियमों का पालन करते हैं, न कि जेडीयू की तरफ। तो साफ आप कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार चेहरा बनाएगा बिहार के लिए तो आप तैयार नहीं होंगे। देखिए नीतीश, यहाँ तो अभी लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या उनके नाम पे वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वोट किसके नाम पे मिलेगा? वोट मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे मिलेगा। तो नीतीश जी की कहाँ बात हो गई? अरे बिगेस्ट पार्टनर हम लोग का बीजेपी है, बीजेपी के तरफ से कोई आधिकारिक बयान आता नहीं है और इधर जेडीयू कुछ अपने मन से स्टेटमेंट देती है। डॉक्टर सुनील सिंह मुझे ये बताइए, 2 दिन पहले नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि फॉर्मूला तैयार हो गया सीट बंटवारे का, वो फॉर्मूला क्या है, कैसे तैयार हुआ? आरएलएसपी कह रही है कि जब एनडीए की बैठक ही नहीं हुई तो तैयारी कैसे हो गई, और नीतीश कुमार का तो जनाधार तक नहीं है। देखिए सीट बंटवारे का जो भी होगा गठबंधन घटक के शीर्ष नेतृत्व के मिल बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो जाएगा, इस आशय का संकेत माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। और ऐसे में हमारे आरएलएसपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उन्होंने वो जो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि उनके कुछ वक्तव्य के अंश गठबंधन के सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो कटाक्ष कर रहे हैं और पर्सनली व्यक्तिगत रूप नीतीश कुमार जी पर अटैक कर रहे हैं। सर वो तो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं सर, गठबंधन जेडीयू के कभी एलजेपी और आरएलएसपी की तरफ से सुना कि सीट शेयरिंग कॉन्फिडेंट हुई, मेरी बात हो गई है, जब बातचीत ही नहीं हुई तो कहां आपकी अलग से क्या मीटिंग हो गई है? एनडीए में सीट जेडीयू को नहीं है, एनडीए में आप 2017 में आए, हम लोग 2014 से एनडीए के साथ है, आप महागठबंधन थे, महागठबंधन को छोड़ के आप आए हैं, तो फिर जब हम लोग तो कहां से बात हो जाएगी? मुझे बोलने दें, मुझे अपने वाक्य को कंप्लीट करने दिया जाए। ठीक है बोलिए जी। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस तरह से आरएलएसपी के प्रवक्ता ने जदयू की ताकत और औकात की बात की और कितनी औकात कितनी ताकत थी, मैं इस पर कोई मुंह नहीं खोलूंगा। अरे आप क्योंकि तो खोल चुके हैं, आज के दिन आपके बड़े नेता एक पार्ट है, नहीं सुनील जी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, सुनील जी समय इसका जवाब देगा। सुनील जी देखिए वैचारिक बात है, वो ये पूछ रहे हैं कि आप पिछली बार 40 सीट पर लड़े 38 सीट पर हार गए, आपका स्ट्राइक रेट निकाला जाए और इनका स्ट्राइक रेट निकाला जाए, ये 3 सीट पर लड़े 3 जीते, एलजेपी जो है वो 7 सीट पर लड़ी 6 जीती, बीजेपी कितनी जीती सबको पता है, तो आपका स्ट्राइक रेट अगर 2 सीट जीतने का है 40 में से तो आपको क्यों ज्यादा सीट मिले और आप क्यों बड़े पार्टनर नजर आए इस गठबंधन में? देखिए आज के दिन में आरएलएसपी एनडीए का घटक दल है और मैं उसके इस बड़बोलेपन पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके जनाधार पर अगर सवाल उठ रहा है तो आप बताएंगे ना, वो सवाल इसीलिए तो उठ रहा है कि भाई आप सीट नहीं जीता पाए तो आपको क्यों ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, विनिंग फैक्टर मेन है ना सर। अच्छा इसका आप अगर पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूं जी, बताइए। 2014 की बात जो लोकसभा का चुनाव था जिसमें कि राज्य का कोई स्टेक पर नहीं था, 2015 में चुनाव हुए, माननीय नीतीश कुमार जी को नेता प्रोजेक्ट करके महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, क्या हुआ? और एनएसपी का किसी का तो उसमें क्या हुआ? औकात लोगों को मालूम चल गई कि बिहार के राजनीति में माननीय नीतीश कुमार का क्या वजूद है,
14 की बात हम लोकसभा की बात नहीं करेंगे, लोकसभा की बात क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए एक हाइपोथेटिकल प्रश्न का जवाब, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकल प्रश्न का जवाब मैं नहीं देना चाहता, ये मैं बताता हूं, मैं ये बताता हूं कि एनडीए बिहार में माननीय नरेंद्र मोदी माननीय नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और एनडीए प्रचंड बहुमत से लोकसभा और विधानसभा। सर मुझे ये बताइए, सर ये बताइए जेडीयू कम से कम कितनी सीट पे लड़ेगी? देखिए ये मामला घटक दल के शीर्ष नेतृत्व का है। तो यही बात तो माधव जी भी कह रहे हैं कि आज जो आप लाइन कह रहे हैं कि ये गठबंधन में तय होगा, यही बात नीतीश कुमार क्यों नहीं कहते? वो मीडिया के सामने आके कहते हैं फॉर्मूला तैयार हो गया, तो बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। शाम जी एक चीज बताइए, जब से जेडीयू एनडीए में आई है तब से ये मुझे गठबंधन धर्म का जैसे पालन करने का सबक सिखा रहे हैं। आप इनसे पूछिए, 6 महीना पहले भी स्टेटमेंट आया था जिसमें इन्होंने ये बोला था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अरे गठबंधन धर्म पालन करने आप मुझे सिखाएंगे? हम लोग 2014 से बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग 2014 से गठबंधन में है और आगे भी चाहते हैं। सारा बड़बोलापन जो है आपके पार्टी के तरफ से आता है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप ईर्ष्या की राजनीति की बात करते हैं और आप मुझे गठबंधन धर्म को सिखा रहे हैं? अरे हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त करते हैं, आप सत्ता के लिए कुछ भी कर देंगे, आप सत्ता के लिए पुनः जैसे महागठबंधन में चले जाएंगे, आप पे भरोसा बीजेपी को नहीं हो सकता है। और जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री में आस्था व्यक्त करते रहेंगे। मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले मैं एलजेपी का एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। वाजपेयी जी मुझे ये बताइए कि ये कौन सा गठबंधन है जिसमें सीट बंटवारे को लेकर तलवारें जो हैं वो खींची हुई हैं और एक दूसरे को आप लोग इस तरीके से सुना रहे हैं? देखिए अभी जो दोनों के बयान आ रहे हैं उससे नवल किशोर जी बड़े खुश हो रहे हैं। नवल किशोर जी ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सारी जनता चीजें देख रही है। लेकिन दोनों लोग जो है गठबंधन धर्म की बात करते हैं, लेकिन बुरा न माने दोनों तरफ से गठबंधन धर्म टूट रहा है। सही बात। देखिए सीटों की अगर नीतीश कुमार के प्रवक्ता गलती करते हैं या नीतीश कुमार जी ने कोई स्टेटमेंट दी है तो आरएलएसपी, एक सेकंड, आरएलएसपी को भी चुप रहना चाहिए और अगर कोई शिकायत है भी तो एनडीए के जो बड़े भाई हैं उनसे जाके बात करनी चाहिए। कुशवाहा साहब खुद मंत्री हैं, उनको अमित शाह से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाके बताएं कि देखिए ये क्या कर रहे हैं। खाली टीवी पे करने से क्या होगा, अल्टीमेटली ये गलत मैसेज जाएगा और अपोजिशन यही चाहती है, उनका महागठबंधन तो बन नहीं पा रहा और यहाँ हम अपनी आपस की लड़ाई तो दिखाएं। वाजपेयी जी मुझे ये बताइए क्या नीतीश कुमार ने ये गलत काम किया मीडिया के सामने आकर ये कहकर अभी ये फॉर्मूला तैयार हो गया? नहीं, अभी ये बात सही है कि ऑफिशियल कोई मीटिंग अभी घटक दलों के साथ बीजेपी की नहीं हुई तो नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये भी बात सही है कि अमित शाह और नीतीश बाबू की एक बार मीटिंग हुई है। बोलिए ना कि नीतीश कुमार ने बोला। रुकिए जरा, हो सकता है उसमें कोई उनकी आपस में बात हुई, लेकिन उस बोलिए तो क्यों नहीं बोलते हैं? अरे रुकिए ना, उस बात की कोई कीमत इसलिए नहीं है कि जब तक सारे गठबंधन एनडीए के घटक दल नहीं बैठेंगे और उसमें जब तक ऑफिशियल चर्चा होगी तब तक कोई चीज नहीं कहा जा सकता। लेकिन सर उस बैठक के बाद अमित शाह ने तो ये नहीं कहा कि फॉर्मूला तैयार हो गया है, उन्होंने कहा बात। मैंने अभी शुरू में क्या कहा, मैंने गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रहे हैं लेकिन वो निभाने में कोताही बरत रहे हैं। उनको क्या जल्दी ही मची हुई है कि वो टीवी में जाके बयान देना? मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जब नीतीश कुमार और अमित शाह जी मिले थे पटना में, नीतीश जी का बयान आया था कि 4 हफ्ते के भीतर जैसे अमित शाह जी ने इनको बोला चार। अरे बड़े बोलापन तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जितने बड़े चेहरा सबसे बड़ा स्टेटमेंट आता है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि टीवी को वाइट देने से आपसी गठबंधन धर्म नहीं निपटा है। टीवी पे आप भी कुछ बोल रहे हैं, उन्होंने भी कुछ बोला है, तो उससे अल्टीमेट बेनिफिट नवल किशोर को जाता है। देखिए घर की लड़ाई को हम टीवी पे नहीं लाएंगे। वही बात मैं भी चाहता हूं। नहीं तो वो आप जाके शिकायत करिए ना, आप अमित शाह से बात करिए। ठीक है नवल जी, मैं आपके पास आऊं, नवल जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक पहले रिएक्शन मैं ले लूं संजय मयूख जी से। संजय मयूख जी, ये कौन सा गठबंधन है और आप तो बैठे हुए हैं और सब कुछ सुन रहे हैं कि आरएलएसपी के नेता क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, बीजेपी इंटरवीन क्यों नहीं करती? बीजेपी क्यों नहीं कहती कि रुकिए हम अभी गठबंधन की बैठक करेंगे और उसमें तय होगा? देखिए हमारा परिवार बहुत मजबूत तरीके से चल रहा है, हम आज चैनल पर बैठ के समीक्षा करने नहीं चले हैं। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 40 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी
और उस 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मजबूती तो हमारे परिवार बहुत दो नेता आप ही के उसी परिवार के एक दूसरे को औकात तो दे रहे हैं। सुशांत जी सुन तो लीजिए। अरे अब तो कल जीतन राम मांझी जी ने 20 सीटों की मांग की, कहां से देंगे लालू यादव जी? सोचे कांग्रेस पार्टी लालू यादव जी और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी, उनको सोचना है, हमको नहीं सोचना है। हम बहुत अच्छे ढंग, हम तो सरकार में शामिल है, लोजपा भी सरकार में शामिल है, भाजपा भी सरकार में शामिल है, जनता दल यू भी सरकार में शामिल है, आरएलएसपी भी सरकार में शामिल है और हम अच्छे ढंग से चल रहे हैं। हमारे चलते हुए साथ को, हमारे गठबंधन को जनता देख रही है और इस गठबंधन को अपनी सहमति प्रदान की है, इसलिए इसमें कहीं कोई राय नहीं है। संजय इनसे पूछिए ना कि 40 में बंटवारा कैसे होगा। संजय जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मुझे दो बातों का जवाब दीजिए। पहले आप ये बताइए, क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते ये साफ साफ कह सकते हैं कि अभी फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, सारे दलों से बातचीत होगी फिर फॉर्मूला तैयार होगा? देखिए, ये रसायन और भौतिक शास्त्र नहीं है, ये राजनीति है और पूरा एनडीए गठबंधन, मैं बार बार बता रहा हूं कि 40 सीटों पे चुनाव लड़ेगा तो लड़ेगा। उस 40 सीट के लिए हम हमेशा मिलते रहते हैं, हम लोग सब लोग खूब मिलते हैं, कहाँ बैठक करते हैं, तो कह रही है बैठक हुई नहीं, लेकिन अब एलजेपी कह रही है बैठक हुई नहीं, आप कह रहे हैं हम लोग हमेशा मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, कब लास्ट बैठक हुई एनडीए की बिहार में? सुशांत जी मेरी बात तो सुनिए। हम जो माधव जी बोल रहे हैं वह अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हर जगह बात हो रही है, बात में कहीं थी, क्योंकि हम एक गठबंधन चला रहे हैं। वो गठबंधन का प्रोग्राम क्या है? वो गठबंधन कैसे आगे बात हो रही है? वो नीतीश कुमार सामने आकर कह रहे हैं फॉर्मूला तैयार हो गया, तो नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं। पूरी बात होने दीजिए, देखिए पूरी बात होने दीजिए। एनडीए में बीजेपी है, बीजेपी कह रही है बात हो रही है, एलजेपी है, एलजेपी कह रही है बात हो रही है, आरएलएसपी कह रही है बात हो रही है, सिर्फ जेडीयू है जो कह रही है फॉर्मूला तैयार हो गया। ये कैसे? हमारा परिवार अच्छे ढंग से चल रहा है। क्या मैं कह रहा हूँ? अपनी बात को मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, मैं कोई बात नहीं डाल रहा हूँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ एनडीए में बीजेपी है, बीजेपी कह रही है बातचीत चल रही है, आरएलएसपी है, आरएलएसपी कह रही है बातचीत होगी और उसके बाद हम बताएंगे फॉर्मूला क्या है, एलजेपी है वो कह रही है कि बातचीत होगी फिर फॉर्मूला तय होगा, जेडीयू आके कह रही है कि फॉर्मूला तैयार हो गया, तो गलत कौन है? तीन लोग एक बात कह रहे हैं, जेडीयू अलग बात कह रही है। अब सुनने का मादा रखिए, हम कटपेस्ट की राजनीति नहीं करते हैं। आप कटपेस्ट की बात, हम कह रहे हैं कि हम लोग मिलजुल कर चल रहे हैं, हम लोग मिलजुल कर बात करते हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अबाध गति से बिहार में राजनीति कर रही है और 40 के 40 सीट पे हम जीतेंगे और उसकी तैयारी चारों दल बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके इंटरवीन की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। सर, हमको क्यों इंटरवीन करना नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो टीवी पे हो रहा है, वो दिख रहा है। और नवल किशोर जी जो है, जैसा कि कह रहे थे वाजपेयी साहब, इस वक्त बहुत खुश होंगे। नवल जी, दो बातें बताइए, क्या ये जो एनडीए में आपको दिख रहा है इससे क्या महागठबंधन को फायदा होगा? और क्या बातें बताइए, क्या ये जो एनडीए में आपको दिख रहा है इससे क्या महागठबंधन को फायदा होगा? और क्या महागठबंधन का अपना कोई फॉर्मूला तैयार हुआ है? महागठबंधन में कौन कौन होगा, कितनी उसको सीटें मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले तो वाजपेयी जी का मैं जवाब दे दूं कि देखिए, आप जिस गठबंधन में हैं उसमें चोर दरवाजे से जो जनादेश का अपमान करके डकैती करके आता है वो आज तय करता है कि यहाँ पर सीटों का बंटवारा कौन होगा, बड़ा चेहरा कौन होगा, छोटा चेहरा कौन होगा। आपकी मजबूरी देखिए कि आपको उनको सुनना पड़ता है जो चोरी के दरवाजे से आपके गठबंधन में आए हैं। हमारे और महागठबंधन में तो जो बातें, अरे काम की बातें करे, ये अलग-अलग आपका क्या स्कोप है? जनादेश क्या था? भ्रष्टाचारी हजारों के हमारे अलग-अलग नहीं है, जनादेश जनादेश था, जनादेश था कि आपके जैसा फिरकापरस्त लोगों को संघ को हराया
जनादेश ये था कि भाजपा को सत्ता से बाहर रखना था, जनादेश ये था कि कैसे भाजपा के सरकार को दूर रखना, जनादेश ये था संयुक्त रखना, जनादेश ये था बिहार को ऐसे आरक्षण विरोधी सरकार से दूर रखना, ये सारे चीज जनादेश में था। जनादेश में ये नहीं था कि चोरी कर। जब आप लोग सब लोग बोले नवल जी सुनते रहे, अब उनको एक बार बोलने दीजिए फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आप चोरों के जनादेश यह था क्या? जनादेश नवल जी जनादेश था कि लाहौर नीतीश कुमार साहब जी मंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। जनादेश ये नहीं था। बिल्कुल वो तय करें, वो नीतीश कुमार परिवार के लिए नहीं होता, जनादेश परिवार के लिए नहीं होता, जनादेश तेजस्वी यादव के प्रताप यादव मिसा भारती और लाल यादव के लिए नहीं होता। जनादेश अरे सर, हम लोग अभी लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। नवल जी मुख्यमंत्री नवल जी लोकसभा चुनाव पर रहिए और ये बताइए 2019 के लिए महागठबंधन में कौन सा जनादेश बिहार में सुशासन लाने का था और वो हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आपने जनादेश का अपमान किया है, डकैती किया है, वो छोड़िए मेरे सवाल का जवाब, धोखा किया है। 2019 को कोई अपमान नहीं किया, आप कोई अपमान किया है नहीं है, आपने पूरे परिवार नहीं जनादेश का है, आपने हम चोरी करने देते अरे चौकी नहीं देते लूटने देते हैं लूटने का भाई कैसे कर लो जहां से आपको बाहर का रास्ता मालूम है, यहां पर बाहर का रास्ता भी मालूम है, इसलिए नवल जी कर रही है। नवल जी 2019 पे बात कीजिए ना, नवल जी तो आइए ना, नवल जी 2019 पे बात कीजिए, मैं 2019 के लिए पूछ रहा हूँ। महागठबंधन महागठबंधन में कौन कौन होगा 2019 के लिए? कहते हैं जिसके पास संख्या बल अधिक हो, लोकतंत्र को समझिए। देखिए वो महागठबंधन 2019 में 40 सीट पर जीतेगी और नीतीश और एनडीए को सर महागठबंधन में होगा कौन कौन ये बता दीजिए। आपको महागठबंधन का वादा है जो ये भी आप अभी भी पता है और आपको पता चल जाएगा, अभी तो चुनाव आने दीजिए पता चल जाएगा। फिलहाल जो है उनके विषय में आपको जानकारी है, आपको तो सीट की दिक्कत है, आपको तो यही बताने में दिक्कत हो रही है कि आपके साथ होगा कौन। चुनाव आने दीजिए, लेकिन नहीं मेरे पास अभी क्या पता, आपके जो जो एनडीए में जो लोग हैं वो लोग इतने परेशान होंगे कि अभी तो कई परिवर्तन एलजेपी और आरएलएसपी के लिए दरवाजा खुला है महागठबंधन में, आप ये कह रहे हैं के लिए जानी जाती है, ये जानी जाती है, ये पूरा जो महागठबंधन है वो तो वैसे सब लोगों को जोड़ना चाहेगा जो एनडीए को हराना चाहती है। एनडीए तो छोटे दलों का सम्मान नहीं करती है, घटक दलों का। आप देखिए कि इनसे परेशान होकर टीडीपी चला गया बाहर। आपको हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो बयानबाजी चल रही है क्यों चल रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर मुझे हम लोग क्या बोले कि हम लोग चाहते हैं गठबंधन धर्म और गठबंधन धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं, ये सारा कंफ्यूजन जो है कहीं ना कहीं मैं अभी आपके चैनलों के माध्यम से भी मांग करूंगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है जेडीयू का, शीर्ष नेतृत्व जेडीयू का अगर कोई इस तरह का बयान देता है, मैं बोला ना कि आप लास्ट एक साल में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बयान आए हैं। पहला बयान आया कि अरे नीतीश जी के चेहरे पर लोकसभा का चुनाव, ये सब बयानबाजी की जरूरत नहीं है। अरे जब तक मैं तो आपके माध्यम से अभी भी मांग करता हूं और बीजेपी हम लोग का बड़ा पार्टनर है, बीजेपी ऑफिशियल एनडीए की मीटिंग कॉल करे, वहां सब लोग जितने भी बड़े नेता हैं सर हर पार्टी के, वो आपस में बैठे और डिस्कशन करे। अच्छा, उसके बाद बीजेपी स्टेटमेंट दे, ना कि मैं स्टेटमेंट दूं ना जेडीयू। अरे अपने मन से मैं बोल दूं कि मेरे क्या डिस्कशन चला, ऑफ रिकॉर्ड क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या चैनल पे बोला जाता है क्या? माधव जी मुझे एक स्पष्ट बात बताइए, क्योंकि आप स्पष्ट बात करते हैं, मुझे ये बताइए, जैसा कि नवल जी कह रहे हैं कि महागठबंधन का दरवाजा सबके लिए खुला है, अगर यहां बात नहीं बनी तो क्या आरएलएसपी महागठबंधन के लिए भी सोच सकती है? सुशांत जी आपके क्वेश्चन का बहुत आपके क्वेश्चन का जवाब मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड देता हूं। बिहार की जितनी भी है पार्टी सब जानती है कि रालोसपा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के बिना न खीर बन सकती है न खिचड़ी बन सकती है, ठीक है। अब इस चीज को बीजेपी भी जानती है, हर कोई जानता है। तो अगर जो 2014 में जो मेरी पार्टी की स्थिति थी और 2018 और 19 में जो मेरी पार्टी की स्थिति बहुत चेंजेज आया, मेरी पार्टी के जनाधार संगठन इतना मजबूत हो गया, उस चीज को बीजेपी फायदा लेना चाह रही है, हर कोई फायदा लेना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एनडीए के साथ रहे, हम लोग तो पुराने पार्टनर हैं और हम लोग चाहते हैं देश हित में माननीय प्रधानमंत्री के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब उसके लिए बीजेपी को भी समझना पड़ेगा और मुझे लगता है हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी के साथ बैठेंगे तो सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन आपको सीट जितनी मिलनी चाहिए, आपका जनाधार आप कह रहे हैं बड़ा है,
अगर उतनी सीट नहीं मिलेगी तो क्या अगर नहीं मिलेगी वहां गठबंधन में मिलेगी तो वहां जा सकते हैं। क्या बोला हूं कि क्यों नहीं मिलेगी? अभी हम लोग बैठे ही नहीं है। तौर पर नहीं बोल, नहीं नहीं कहा मैं ना बोलो, अरे मैं पहले बोला बोलिए ना, महागठबंधन का दरवाजा बंद है। नहीं क्यों मैं बोलू बंद है, नहीं क्यों बोलू बंद है, क्यों बोलू बंद है? अगर मेरी पार्टी का जनाधार बढ़ा है विगत 4 साल 5 सालों में, वो बीजेपी भी जानती है इस चीज को, तो मैं कैसे बोल दूं इस चीज में? कहीं भी नहीं बोल सकता। हम लोग कॉन्फिडेंट है, हम लोग एनडीए के साथ, हम लोग अच्छा खासा साथ। वाजपेयी साहब, क्या आपके लिए कोई स्थिति हो सकती है महागठबंधन में कभी जाने की? नहीं नहीं, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने बड़ा साफ कह दिया है कि 2019 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई वैकेंसी नहीं है और हम लोग पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं। देखिए ये देखिए, आप जैसे क्लियरली ना बोल रहे हैं, माधव जी नहीं बोल रहे हैं, माधव जी का विचार क्या है, अंदर कैसे बात समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये डिबेट चल रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से नीतीश जी का बयान सुने तो उन्होंने क्या कहा कि सिद्धांत तौर पे सीटों की एडजस्टमेंट की बात हो गई है, ये कहा है उन्होंने। तो सिद्धांतिक तौर पे तो तय है कि जब हम एनडीए गठबंधन के पार्टनर हैं तो सिटिंग गेटिंग का प्रिंसिपल लागू होगा, वोट परसेंटेज का लागू होगा, मतलब वो उस तरह विचार कर रहे हैं उन्होंने। देखिए जेडीयू ने ये नहीं कहा है कि हमें इतनी सीटें मिल गई हैं, बार बार आपने भी आज ये नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा है, नहीं कहा, तो उस चीज को इतनी कंफ्यूजन में ना ले जाए, ठीक है। गठबंधन पार्टनर के बैठ के संजय जी आप सुन रहे हैं, एक तरफ एलजेपी कह रही है कोई सवाल नहीं महागठबंधन में जाने का, आरएलएसपी जो कह रही है हम अभी नहीं कह सकते भाई कि क्या हम उधर बिल्कुल नहीं जाएंगे, ये आपका परिवार इंटैक्ट तो है। प्रधानमंत्री जी में आस्था व्यक्त करें, इससे ज्यादा क्या आपको नहीं, आप लेकिन खुल के ना नहीं बोले, जैसे उन्होंने कहा कि बोलिए हम लोग चाहते हैं देश हित में माननीय मोदी जी पुनः प्रधान, क्या बड़ा स्टेटमेंट दे दूंगा, ये कहिए ना कि महागठबंधन में नहीं जाएंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बीजेपी को सोचना है, बीजेपी जानती है, बीजेपी को सोचना है, ये कह रहे हैं बीजेपी को सोचना है वो चीज। आज उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े नेता हैं, जो हम लोग का समाज है कितना बड़ा, वो सब जानता है। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हमने कहा है कि हम 40 सीट पे चुनाव जीतेंगे, तो उसमें आरएलएसपी भी है, यही धोखा है, और जनता आप बोल रहे हैं साथ साथ बढ़ेंगे, लेकिन किसी का साथ नहीं, अपना काम करते हैं, केवल अपना काम करते हैं, सहायता देते हैं मोदी सरकार और नवल जी बोल रहे हैं, परिवार वाले लोग बोल रहे हैं, पार्टी मोदी परिवार की चाची बनाने वाले लोग हमसे नहीं बात कर रहे हैं, केवल तेजस्वी यादव को क्यों बनाया, तेज प्रताप को क्यों नहीं बनाया, राजनेताओं को क्यों नहीं बनाया आपने, आपको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, आप भूल गए 15 में आपको बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया था, और 17 में आपने धोखा से सरकार जानकारी है, 17 में नीतीश कोई नहीं है, कोई एक साल में 25 घोटाले हुए, आपके बिहार को धोखा दिया, अरे कोई धोखाधड़ियों की सरकार है, धोखाधड़ियों की सरकार है, ये आपने दिखाया है, पास संख्या बल है, यही आपने दिखाया है, आपके पास सारे सारे तुम्हारे ही है ना, लोकसभा सारे कर्म हुए हैं, पिछले एक साल में सारे कुकर्म हुए हैं। नवल जी मुझे एक बात बताइए, इतना मोह हो गया। नवल जी मुझे एक बात बताइए, परिवार के साथ रहने वाले लोग। नवल जी एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एनडीए के, चाहे जेडीयू के, अरे जिसने जेपी के साथ धोखा किया, आपने नवल जी सवाल को सुन लीजिए, सबसे घातक है, नवल जी सवाल सुन लीजिए, सबसे बड़े धोखेबाज आप तय करेंगे, मेरा सवाल ये है, नवल जी मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, आपके पास संजय जी जरा से रुकिए, स्वागत है संजय जी जरा से रुकिए ना, नवल जी मेरा सवाल ये है कि एलजेपी बैठी हो, आरएलएसपी बैठी हो, जेडीयू बैठी हो, नवल जी के पास चारों एक बात से सहमत हैं कि भाई एनडीए का एनडीए एक साथ है और जो चेहरा होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे, आप महागठबंधन में पार्टियां कौन होंगी ये नहीं बता पा रहे, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा ये नहीं बता पा रहे, महागठबंधन में किसको कितनी सीट मिलेगी ये नहीं बता पा रहे, तो फिर उनसे बेहतर आपसे बेहतर तो जनता को एनडीए ही नजर आएगा ना, उनके पास चेहरा भी है और उनके पास नीति भी है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नहीं, जो बिहार जो एनडीए का चेहरा है वो आज के डेट में देश ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, बिहार में 4 उपचुनाव महागठबंधन का चेहरा पूरी तरह हारे हैं,
यूपी में 3 लोकसभा बुरी तरह हारे हैं। महागठबंधन चेहरों के बल पे नहीं, जमीन के बल पे जीतेगा। उसमें नरेंद्र मोदी से अच्छे चेहरे 15 है, बहुत सारे चेहरे हैं। समय आएगा तो उसमें निर्णय होगा। ये चेहरे जो एनडीए के पास है वो रिजेक्टेड चेहरा है। इसके नेता कहाँ है? इस चेहरे के तो बताइए नेता कहाँ है आपके? चेहरा हमारे नेहरा जमीन आपके नेता जेल में है। आपके नेता जेल में है। जी आपके नेता जेल में है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। आपको परेशानी क्यों है? आपको परेशानी इसीलिए ये पूछ रहे हैं आपके नेता कहाँ है? आपको परेशानी इसीलिए आपका इतिहास क्या है? ये जनता पूछे आपको दिख रहे हैं। हमारा इतिहास आपसे मजबूत है। आपका इतिहास चोरी का है, इसीलिए जेल में है। इसीलिए नेता जेल में है। यही आपका इतिहास, लालू यादव इसीलिए जेल में है। आपने देखिए नवल जी, अभी आप आपको हमारे ऊपर खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अगर मोदी जी को हटाना चाहते हैं तो अपना जनता मानिए। आपका तो एक ही एजेंडा है कि मोदी जी को हटाना है और मोदी जी हटने वाले नहीं है। आप वकील हैं। देखिए आपका कोई गठबंधन आज तक नहीं बन पाया है और हमारा गठबंधन इंटैक्ट है। निचली अदालत का फैसला है और लालू अरे भाई कन्विक्टेड ही थे, कन्विक्टेड है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको मालूम नहीं है? आप बोल रहे हैं इतना ज्यादा, पहले अपना गिरफ्तार जानिए। अदालत की समझ भी नकली है। जनता दोबारा आपको नेता नहीं बनाने जा रही है। जनादेश के धोखाबाज आपका नेतृत्व कर रहे हैं। जो जनादेश के धोखाबाज है वो आपका नेतृत्व है। अरे भाई आपका नेता कहाँ है? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, उसका जवाब दीजिए। महागठबंधन का चेहरा बता दीजिए। वो कह रहे लालू जी तो जेल में है। महागठबंधन महागठबंधन का चेहरा उपयुक्त समय में आपके सामने दिख जाएगा। आज नहीं है ना आपके पास? आज नहीं आपके पास? आज नहीं, मानिए इस बात को। कब बताइएगा? कब बताइएगा? अच्छा चेहरा इसलिए नहीं है, सुधांशी क्योंकि नेता नहीं है इनके पास। चुनाव में बताया चेहरा बता नहीं सकते क्योंकि नेता नहीं है। अगर नेता है तो दागदार है। राहुल गांधी है वो जेल में है, लालू यादव है वो जेल में है। हम सबकी जिंदगी देख लीजिए। उसके बाद नेता भी बताया था। तो आप तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते क्या? नवल से बड़ा सिचुएशन नहीं है। तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानते? राहुल गांधी की जेल पे है। तेजस्वी यादव आज तेजस्वी यादव बड़े नेता है। तेजस्वी यादव उनका तो नाम ले लीजिए, आप उनका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सीएम से बड़ा है। उनका नाम बिहार की एक एक जनता लेती है। आपको लेने की जरूरत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नवल जी वो भी चाबी ले रहे हैं कि आपको मालूम ही नहीं। जनता लेके सरकार में होते हैं ना? प्रसिद्ध जनता लेके तो सरकार में होते हैं। जो सबसे बाहर खदेड़ दिए गए की जरूरत है। आप वैसे पब्लिक खोज रहा है जो रिजेक्टेड है। अच्छा चोरी पर आधारित है। नवल जी थोड़ा सा रुकिए, पब्लिक खोज रहा है तेजस्वी जी को, रिजेक्टेड है। ठीक है नवल जी थोड़ा सा रुकिए, आप जरा एनडीए को टटोल लें। सुनील सिंह जी ये बताइए भाई, जेल में लालू जी जेल में, राहुल गांधी बेल पे। ठीक है सुनील सिंह जी ये बताइए कि बिहार में आप लोग सीटों का बंटवारा जो है वो मिल बैठ के करेंगे ये साफ है। जैसा जेल है, लेकिन मुझे ये बताइए बिहार की जनता इस गठबंधन में बड़ा भाई कौन है? बीजेपी है, जेडीयू है, आरएलएसपी है, एलजेपी है, इसका क्रम क्या है? बीजेपी सबसे ऊपर, फिर जेडीयू, फिर एलजेपी, फिर आरएलएसपी। देखिए एक तो जनादेश का चोर है, दूसरा बिहार के जनता। नवल जी उनको जवाब देने दीजिए। हमारे नेता की तरफ से और आरजेडी के नेता जो सीट बंटवारे पर किस बहस कर रहे हैं, अरे महागठबंधन में तो तय ही नहीं है ये कौन कौन पार्टियां रहेंगी। ये कहते हैं कि आरएलएसपी का स्वागत है, आरएलएसपी आप अश्वनी चौबे का जवाब दे सकते हैं। केवल जिन्होंने बोला कि जवाब मांग रहे हैं, आप अपनी तरह सरकार चला रहे क्या? ठीक है
रुक जाइए थोड़ा सा, आप नवल जी को पानी पिलाइए, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। नवल जी बहुत बहुत तब से नवल जी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हम पानी पिला देंगे आपको, अभी पानी पिलाएंगे आपको, पानी पिला चुके हैं। ठीक है माधव जी, मुझे पानी नहीं, पानी तो आपको जनता पिला रही है। अच्छा रुकिए सर, माधव जी मुझे ये बताइए, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि आप बता दीजिए कितनी सीट पे आप लड़ेंगे, कितनी पे एलजेपी लड़ेगी, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर अगर आप देखते हैं तो उस पे क्रम क्या है, बीजेपी जेडीयू फिर एलजेपी फिर आरएलएसपी। नहीं देखिए मैं भले जब लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं तो 2014 में जिस तरह जो पार्टी जितनी सीटें जीती है उसको जैसो मानना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही एक उत्तरदायित्व लेते हुए बोल रहा हूं, उस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि अगर बीजेपी हम लोग के पार्टी के जनाधार जो बढ़ा है उसको बिना आकलन किए हुए कोई इस तरह का फॉर्मूला लेके आती है तो हम लोग को मान्य नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा करेंगे, लेकिन मान्य नहीं होगा तो अब बीजेपी आएगी तब ना, बीजेपी तो अभी मीटिंग ही नहीं हुई है। नहीं होगा तो आप एनडीए से अलग होंगे। मैं तो पहली बार मान्य नहीं होगा, पहले बीजेपी हम लोग का बड़ा घटक दल है, बड़ा पार्टनर है बीजेपी से। मैं आप अभी भी आग्रह करता हूं कि एनडीए की अविलंब मीटिंग कॉल करे और सब कुछ बैठ के निकाले। नहीं कॉल कर रही बीजेपी, अब तो हमको लग रहा है सुशांत सिन्हा जी इसके पास तो हम आग्रह करेंगे नहीं, हमारा नियत अरे समय मुझे मत जवाब दीजिए, माधव जी आपसे कह रहे हैं कि बैठक बुलाइए, मैं आपसे बतौर पत्रकार पूछ रहा हूं, जानकारी दे दीजिए। मैं बता रहा हूं एनडीए की मीटिंग, हाँ तो निश्चित समय पर वह मीटिंग हो जाएगी, जब भी होना होगा होगा, उसके लिए आपके यहाँ आग्रह कोई नहीं करेगा। ठीक है, नहीं मेरे यहाँ क्यों आग्रह कीजिएगा, आपके सहयोगी बैठ के यहाँ आग्रह कर रहे हैं और आप टेलीविजन पे उनको सुन के जवाब दे रहे हैं, मेरे आग्रह से आप क्यों मीटिंग कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और जो स्थिति बनेगी वो साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है जितना उस मीटिंग में देरी होगी और जितना बयानबाजी होगी उसका नुकसान आपको ही होगा और फायदा जो है वो महागठबंधन को हो सकता है। बहुत